बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी, स्वागत है। नमस्कार भैया। नमस्कार, और बताएं नाम अपना और हालचाल क्या है आपके? मेरा नाम राजकिशोर चौहान, बड़क चौहान, गढ़नुखा, लालगंज, बिहार से। जी बहुत बढ़िया। और बिहार में बाढ़ के हालात हैं या फिर कुछ राहत है आपके इलाके में? हमारे जिले में तो राहत है, इधर ज्यादा पानी नहीं हो रहा है। और वैसे नहर है, हम लोग को सोन नदी से पानी आता है। उधर पटना भी इधर पानी हो रहा है। और आप स्वस्थ प्रसन्न हैं और प्रोग्राम सुन रहे हैं, कैसे लग रहे हैं कार्यक्रम आपको? ये तो आप पीकेएलडी में बताते भी हैं। अच्छे अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं जी। प्रोग्राम ठीक हो रहा है, नए नए बदलाव हुआ है उसमें सब। कृषि जगत से मतलब रहता है। हम भी अभी वही कहने वाले थे कि कृषि जगत में आपकी तमाम जो डिमांड थी, तो कुछ फोन इन कार्यक्रम वहाँ भी शुरू हुए हैं विशेषज्ञों के। आज इतवार है, उसमें भी माने झलकियाँ, कहीं झलकियाँ, दो चार झलकियाँ है, वही बार बार प्रसारित है। ये जरूर है, आपकी बात से हम सहमत है कि बहुत अरसे से नए जो नाटक झलकी है वो सब उनका प्रोडक्शन नहीं हो पाया है। उसके भी थोड़े से अलग अलग हालात हैं, कोविड के चलते बहुत सारे जो काम थे वो रुके हुए थे, ये भी सही है। लेकिन आजकल तो इंटरनेट और इस तरह का माध्यम का समय है कि आदमी बहुत सारी चीजें अपने अन्य केंद्रों से भी प्राप्त करके आपको सुनवा सकता है। आकाशवाणी में नहीं थे ना 10 दिन? जी कौन, हम? हाँ हाँ, हम तो इधर करीब 2-3 हफ्ते छुट्टी पर थे। मालूम तो ये हुआ कि दूसरे बहुत सारे जो हमारे साथी हैं उनको प्रोग्राम का मौका मिला और श्रोताओं ने उनको सराहा भी और उनके कार्यक्रम सुने भी, पसंद भी किए। भैया बायजू बावरा में वो गीत है, रॉकी और लता की आवाज में, तू गंगा की मौज में यमुना की धारा हो रहेगा मिलन। हमारा तुम्हारा, ये तो है कि उस दौर की कुछ फिल्में जो हैं, जैसे कि नागिन है, बैजू बावरा है, सीआईडी गाइड, ये सारे जो हैं वो माइलस्टोन हैं, मुगले आजम फिल्म है, और उनमें जो गीत संगीत या पूरा जो प्रोडक्शन था फिल्म का वो यादगार और माइलस्टोन है। कैसी यादें हैं इन फिल्मों से, जब बहुत भीड़ हुआ करता था, जब शो लगते थे सिनेमा हॉल में, और तब इतने सारे माध्यम नहीं थे, इंटरनेट और टीवी वगैरह कुछ भी नहीं था उस दौर में। हम पुराने ही गीत लिखते भी हैं भैया और सुनते भी हैं ना। और ये देखिए कि आकाशवाणी विविध भारती है जहां पर इस तरह के गीत संगीत आपको सुनने को मिल जाते हैं, या फिर शास्त्रीय सुगम संगीत लोकगीत भी आपको इन्हीं माध्यमों पर सुनने को मिल पाते हैं। तो अब ये गीत हम आपको सुनवा दें आपकी पसंद पर। नमस्कार राजकुमार। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हाँ, ये हो रहा है असगर जी कि आज हर 10-20 सेकंड पर ही फोन कट जा रहा है। ऐसा तो 2-3 हफ्ते पहले जब मैं था तो नहीं हो रहा था, इधर ये लगता है नई बीमारी लगी है इसमें। दो बार लगा, तीसरे बार लगा है। बहुत सारे श्रोताओं के साथ ऐसा हो रहा है कि हर 20-30 सेकंड में लाइन कट जा रही है। जी जी, मेरे मोबाइल से लगा, जबकि शुरुआत में ही आपका फोन लग गया था और वो फिर कट भी गया। एक तो सोचिए कि तमाम केंद्रों पर इस तरह के कार्यक्रम आजकल बहुत कम हो गए हैं, नहीं हो रहे हैं, और हम लोग कर भी रहे हैं तो उसमें भी इस तरह की तकनीकी जो दुश्वारियां हैं वो आ रही हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत तो होती है। बहुत दुश्वारी, अभी मैं इस्टेंजा करके आया, फिर लगाया, फिर ट्राई किया, जो वाइफ का मोबाइल पकड़ा। और इसमें भी ये डर रहता है कि कब कट जाए असगर जी, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। इसलिए बताइए, अब मैं आपसे जब पहली बार आज बात हुई तो मैं पूछ रहा था कि आपके छत से कुछ बाढ़ के हालात दिखाई देते हैं क्या आसपास? तो बहुत बाढ़ आई हुई है आज के समय में। मेरे घर से चौथा थोड़ी दूर बाढ़ है, नदी बर्मा नदी। हालांकि हमारे इलाके में बारिश उतनी नहीं हुई, लेकिन ये दूसरे जगहों की बारिश का असर है कि नदियों में उफान है इन दिनों। जी जी जी, मेरा दो घर है ना, एक तो ये मेरा अपना जो है तो शिवपुर में है। जी जी, बाप की बापोती जो बर्मा।
मैंने कहा क्या कहने, बर्मा नदी से 15-20 मीटर दूर होगा। अच्छा, ये भी एक कहा जाता है कि उम्र के साथ साथ आदमी में थोड़ा सा बचपना आ जाती है, और वो है ऐसा, आपको भी लगता है क्या? सही बात है ना, वो कुदरत है भाई, कुदरत है। हाँ हाँ हाँ, 80 साल हो गया जून 15 दिन को, तो वही भी आप छठिया गए हैं, आपको याद नहीं है नहीं, मैंने तो अच्छी चीजों के लिए कहा कि जैसे आदमी कह सुन करके खुश रहता है। आज के जमाने में सोचिए खुश रहना बहुत ही वाकई मुश्किल है, और जो हंस रहा है खुश है वो सोचिए कि बहुत ऊपर वाले की नेमत है। मैं तो अपने खुश रहता हूँ अपने गार्डनिंग में, दोनों तरफ बगीचा लगा रखा है। वाह, मतलब पर्याप्त आसपास जमीन है आपके? मैं अपने बरामदे में और एक आंगन में, खुला आंगन है। जी 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 जी, आजकल आदमी चाहे तो शौक विकसित कर सकता है, और कहते हैं ना खाली दिमाग जो है वो मुश्किलों का घर होता है। करीब गमले को मिला के 125 गमले हैं। क्या कहने, तब इनकी देख रेख में ही दिन कट जाता होगा। असगर अली करता है मजे से, अभी सुबह उठ के पहला काम है जाना। वाह, चिड़िया लोग आके बैठ जाते हैं। ये तो है कि कुदरत से नजदीकी हो तो दिल बहल जाता है, और अच्छी तरह से। और सोचिए कि उन जो मूक परिंदे हैं, पेड़ पौधे हैं, उनकी भी सेवा हो जा रही है, और उसके साथ साथ हम सबका समय भी बीत रहा है। पैर के पास आके दाना गिरा देगा, लोग सुनते हैं, उनको जरा डर नहीं है। मैं वीडियो निकाला है उठी हुए का आवाज। जी जी, तो वो भी आओ। और क्या कहने, और इस खुशी का कोई परवार नहीं है, कोई इसकी मिसाल नहीं है, इससे जो खुशी हासिल होती है, ये जो खुशी अपनी खुशी, अरे दिल को सुकून मिलता है ना। जी जी, उसका सब बेटा भी कर रहा है, कैसे इसे पालना है, कैसे देखना है, ये तबियत खराब जाए। लेकिन यही वो चीजें हैं जो आदमी को स्वस्थ खुशहाल रखती हैं और उम्र को लंबा करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है। इसी वजह से जो एसी पार हो गया, अभी छत पर चढ़ के जाके झंडा फहराया था। क्या कहने, तो बहुत सारी मुबारकबाद, बधाई आपको। और हमारे यहाँ जो नए नए प्रोग्राम पेश करने वाले हैं, उनका अंदाज भी आपको पसंद आ रहा है, सुना है हमने। जी जी जी, अंदाज एक दो अंदाज को छोड़ के संगीत, वो जो बहुत ज्यादा हो जाता, रात को 1 घंटा हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा हो जाता। हाँ, रात को तो शनिवार रविवार को तो दिल्ली से ही वो आते हैं, अखिल भारतीय कार्यक्रम। जी, वो तो बाद में निकल जाता है, और जो बाद संगीत होता है वो तो बहुत अच्छा लगता है। जी जी, तो जैसे शहनाई हुआ, बांसुरी हुआ, वही बड़े ध्यान से पूरा तक सुनता हूँ। लेकिन वाँ, जो आलाप आ जाता है ना, वो समझ। अब इसमें देखिए हम क्या कर सकते हैं कि सभी का क्या होता है, पसंद अपनी अपनी है, और किसी चीज को कुछ पसंद करने वाले हैं, तो हम सबको भी उन लोगों की पसंद का भी ख्याल रखना है। मेरा ख्याल है कि हम जैसे नौजवानों के पसंद में जो आलाप आता है अंदर, और क्या क्या, वो समझ में नहीं आता होगा। ये जो वाद संगीत है, आलाप जोड़ झाला तराना, ये सब होते हैं उसके अंग। जी जी, वो सब नहीं समझ में आता है, बंद कर देते। लेकिन ये सोचिए कि हिंदुस्तानी जो शास्त्रीय या फिर कर्नाटक संगीत की परंपरा है असगर जी, बहुत पुरानी है, और उसको तो ईश्वर से साधना का तमाम सूफी संत हुए, बहुत सारे हजरत हुए जो इन गीत संगीत की साधना उन्होंने की, और ऊपर वाले से लौ लगाई इसी के जरिए। जो है अपने अलग चीज है, हम कोचिन ने भी देखा था ना, क्या बड़ा सा दम होता है, ढोल बोलते हैं उनको, और उनको जो बजाते हैं ग्रुप के साथ, और हाथी भी रहता है। हाँ हाँ हाँ, हाथी सजा हुआ, हाथी मेरे घर के थोड़ा ही दूर पर कोचिन में था, तो हाथी भी 3-4 सजे हुए रहते हैं, और उसी में डांस म्यूजिक भी होता है। बिल्कुल, हर इलाके की, यही तो हमारे देश की विविधता है और संस्कृति है कि हर जगह के अलग अलग वाद्य यंत्र हैं, राग रंग हैं, और गायकी अलग अलग तरह की है, और यही खूबसूरती है देश की। आज भी दुआ से अल्लाह को मैं पूरा हिंदुस्तान भूल चुका हूँ, इधर कलकत्ता से लेके उधर गुजरात तक। वाह, पूरा कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, विशाखापट्टनम, गोवा, अंडमान घुमा हुआ है। जी जी, और जब आप जहाजों पे रहते थे तब ये रेडियो के प्रसारण वहाँ सुनाई देते थे फिर, या फिर अपने अंदर जो आपका होता है वहीं का आपको सुनाई देता था? वो नहीं था, उसमें वो था, सारी सिस्टम था, सारी मतलब साउंड प्रोड्यूसिंग इक्विपमेंट, वो खास खास मौकों पर, खाने के समय, ब्रेक के समय वो गीत संगीत उसमें बजता था, रिकॉर्ड बजाए जाते थे। सारी ऑपरेटर जो होता है, एक ड्यूटी होता था सारी ऑपरेटर की। जी जी, सोचिए वो जहाज के आरजे और अनाउंसर उस जमाने में हुआ करते होंगे उन्हें। हाँ, नहीं, इलेक्ट्रिशियन होते थे। जी जी हाँ, लेकिन शौक होता होगा उन्हें, गीत संगीत अच्छा लगता होगा, तभी तो वो प्ले करते होंगे। हाँ,
रहेंगे ना, जहाँ नया फिल्म आया तो उनका मनी ये डिपार्टमेंटल मनी दुकान रहता है रिकॉर्ड खरीदने के लिए, जी जी, उसका बजट अलग होता है। तो वो नया रिकॉर्ड लाएंगे, उनका वही काम है सारी ऑपरेशन जी। आप सोचिए, आपके जरिए हमारे श्रोताओं को बहुत सारी अच्छी अच्छी नई जानकारी मिल पाती है जो रोचक है। हम आपकी जानकारी वही देते जो आप पूछते हैं तो हम बोलते हैं, फालतू बकवास नहीं करते। और अब हम पूछ लें कि कौन से गाने की फरमाइश है असगर जी की आज के कार्यक्रम में? पहले ही बोल दिया, सबसे पहले ही बोल दिया कि अपने पसंद का गाना एकदम नाच आप बहुत अच्छा सुनाते हैं। अच्छा अच्छा, और एक रिक्वेस्ट और है, अगर पुराने आसिफ अली हाँ, हाँ, उसका एक है कह दो कि इंतजार कर आ रहा हूँ मैं, हाँ ये है आसिफ, पुराने आसिफ अली का गजल अगर मिले तो है, और इनका भी है अशोक कोटला का भी है, दिलों का रिकॉर्ड है हमारे स्टॉक में, ये लाइब्रेरी में नहीं है, वैसे कहीं से कुछ करना पड़ेगा। मामूर गंज में है, हम एक बार बस सुन चुके हैं। अच्छा अच्छा जी, तो या तो अशोक खुरला है या आसिफ अली पुराना उनका मिलेगा तो उनका आसिफ अली का बेग है गमे हयात से घबरा रहा हूँ मैं। हाँ, ये वैसे फिल्मी नहीं है, ये नॉन फिल्मी है। नॉन फिल्मी है, लेकिन कभी कभी मेहरबानी करना चाहिए बाल बच्चों के ऊपर। फोन इन फरमाइश में हम लोग सिर्फ फिल्मी सुनाते हैं, वैसे और कहीं बाकी प्रोग्राम में कहकशाएं या सुगम संगीत वगैरह में खोज के अगर होता है तो हम कैसा तो बेकार हो भाई साहब, अब तो अलग हो गया, कैसा खराब हो गया। पहले आता था, अभी तो उसमें क्या क्या आता कुछ समझे न कभी, पहले बहुत अच्छा था क्या कहता जी जी। अब नए लोग उसको प्रोग्राम नए तरह से कर रहे हैं, बेकार हो गया। आइए अब एक पुराना सा गीत आपकी फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं। जी जी नमस्कार, संडे को कर रहे हैं ना जी, इतवार को, नमस्कार शुक्रिया। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश, नमस्ते स्वागत है, इस बार जल्दी से नाम हमें बता दें। आज बहुत सारे करीब 200 श्रोताओं से बात हुई लेकिन कट कट जा रही है बातचीत, आधे भी नहीं हो पा रही है। जी मैं देवरिया यूपी से उदिता विश्वकर्मा बात कर रही हूँ। उदिता जी, शुरुआत में आपका फोन आया था तो, लेकिन अब लग रहा है करीब आधे घंटे बाद आपसे फिर से बात हो रही है, तो हमें तो दो बार बातें करने का मौका मिल गया लेकिन श्रोता आपकी आवाज एक बार ही सुन पा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बड़ा इंतजार हुआ, क्या किया इतने लम्हे तक आपने 45 मिनट में, बताइए। उदिता जी फिर आपका फोन कट गया और उम्मीद करें कि आप फिर से फोन लगाएं और तुरंत लग जाए आपका। हेलो, हाँ चलिए बात आगे बढ़ाते हैं वरना बात कट जा रही है आज। सर क्या हो गया, मतलब लाइन में कोई डिस्टर्बेंस है क्या? हाँ तकनीकी है, ऐसे बीप्स की आवाज और कई परेशानियां तो पहले से थी लेकिन आज ये हो रहा है, हम भी एक अरसे के बाद आए हैं प्रोग्राम में कि बार बार फोन कट जा रहे हैं 20-30 सेकंड पर ही, मतलब फोन को भी किसी की नजर लग गई इसका मतलब। ये कह सकते हैं, और ये लगना नहीं चाहिए क्योंकि एक बात तो हकीकत है कि बहुत सारे केंद्रों से फोन इन कार्यक्रम अब नहीं हो रहे हैं और कुछ एक केंद्रों से जहां से हो रहे हैं तो वो कम से कम सुचारू चलें और श्रोता उन्हें पसंद करें, ये जरूरी है। हाँ बिल्कुल सही कहा सर आपने, और ऐसा तो नहीं होना चाहिए लेकिन तकनीकी जब खराबी हो जाती है तो हम लोग भी और आप लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो अपना नाम और तारुफ श्रोताओं के लिए एक बार हमें करा दें आप। जी सर मैं कानपुर से पूनम बात कर रही हूँ। जी पूनम जी, स्वागत कर रहे हैं आपका प्रोग्राम में, और हमारे यहाँ ये जो मुश्किल है ना टेलीफोन लाइन वाली, एक दो महीने से है, बाकी केंद्रों के क्या हाल चाल है, वहाँ ठीक ठाक सुचारू व्यवस्था है पहले की तरह क्या? सर हाँ बाकी केंद्रों में तो है लेकिन कहीं कहीं ये प्रॉब्लम आ जाती है थोड़ी बहुत। पहले ऑप्टिकल फाइबर लाइन नहीं था, जो सिंपल से लाइन होती थी टेलीफोन वाली, उससे जब बात होती थी तो ठीक होता था। इसमें क्या होता है जब बाकी श्रोता फोन करते हैं तो एंगेज टोन और टू टू की आवाज वो भी रिकॉर्ड हो रही है। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि मैं कार्यक्रम सुन रही थी ना तो उसमें टू टू की आवाज आ रही थी जी, कुछ हमें लग रहा है कि आप इसको हम लोग इसमें लिखा पढ़ी में लगे हैं तकनीकी अनुभाग के द्वारा, इस ओर प्रयास चल रहा है लेकिन वक्त लग रहा है और वो दुखद है, प्रोग्राम की क्वालिटी इससे प्रभावित हो रही है। और अब बताएं कि आप कैसी हैं, स्वस्थ प्रसन्न हैं, क्या किया इतने दिनों आपने? जी हाँ सर अभी तो फिलहाल ठीक हूँ, और प्रसन्न भी हूँ, प्रसन्न भी हूँ क्योंकि बहुत देर से बाद आज आपसे बात हो रही है। जो आपकी हंसी है ना जी, बहुत अरसे बाद सुनने मिली आज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अपनी आवाज का ख्याल किस तरह से आपने रखा इतने दिनों तक कि जब हमारी बातें होंगी फोन इन में तो आवाज पूनम की आरजे की तरह लगे?
मैंने ख्याल तो सही बताएं आपको तो कुछ भी नहीं रखा क्योंकि तबीयत जब खराब हो गई तो बहुत अच्छा। ज्यादा परेशानी आ गई। तो थोड़ी बहुत आवाज में भी कहते ना कि एनर्जी नहीं रहती है। जी जी। और हाँ, और गला भी थोड़ा खराब होता था और ये गला खराब वाली बात अक्सर जो गाने वाले होते हैं वो अक्सर कहते हैं कि आज थोड़ा गला ठीक नहीं, फिर भी मैं गा रहा हूँ। जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन फिर ये होता है ना सर कि इंसान कोशिश करता है, लेकिन आज तो आपको हमारी आवाज ठीक लग रही हो। बहुत अच्छी आवाज लग रही है और हमारे श्रोता भी इस बात को महसूस कर रहे होंगे जब वो सुनेंगे प्रोग्राम को। जी तो और जी मैं कहना चाहती हूँ आपके यहाँ बारिश वगैरह कैसी हो रही है? हमारे यहाँ बारिश कम हुई लेकिन बाढ़ अच्छी है। अच्छी मतलब क्या कहें, बाढ़ की स्थिति ठीक ठाक नहीं है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ है और बारिश उतनी अच्छी नहीं हुई जितनी हर बार होती है। बिल्कुल सही कहा आपने सर, यूपी में तो बारिश इतनी अच्छी तो नहीं कहा नहीं हुई। हाँ हाँ हाँ। और बाकी जैसे कि आप बता रहे हैं बाढ़ की मतलब जो बाढ़ के हालात हैं जो दूसरे इलाकों में या ऊपरी हिस्सों में जब बारिश होती है उत्तराखंड वगैरह में या फिर इस बार तो मध्य प्रदेश में भी बहुत बारिश हुई तो उसका असर नदियों के जरिए निचले इलाकों में आता है। हाँ जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जैसे आप बता रहे हैं वहाँ पे है। तो आपने इधर कुछ क्या किया ये बताइए कि क्रिएटिविटी में क्या किया, कुछ लिखा पढ़ा? अभी क्रिएटिविटी में कुछ नहीं कर पाई हूँ क्योंकि अभी बीच में इतनी तबीयत खराब हो गई थी कि मेरा बचना ही मुश्किल था। तो मैं तो मतलब मैं सोची थी कि चलो कुछ करेंगे, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि अभी ज्यादा दिमाग में अपने जोर मत डालिए। जी जी। अगर ज्यादा जोर डालेंगे तो फिर वही दिमाग में नहीं, बिल्कुल आप जोर ना डालें और अपने आप को बिल्कुल तरोताजा और तंदुरुस्त बनाएं पहले, वो जरूरी है। सर जैसा कि आप मतलब कहना चाहते हैं तो इस और तैयारी मेरी चल रही है। यूट्यूब चैनल मैंने आपसे कहा था कि हम बनाएंगे जी, तो बस थोड़ा सा और स्वस्थ हो जाए इसके बाद फिर अपना यूट्यूब चैनल। बिल्कुल, ताकि आपकी आवाज, और आजकल तो तमाम तरीके हैं जिसके जरिए जैसे कि बहुत सी कहानियां हैं, कविताएं हैं और लोगों के बारे में जीवनियां हैं या फिर कोई भी रोचक चीज आपके घर के आसपास शहर में होती है देखने सुनने लायक तो उसे आप समाज के सामने ला सकती हैं इन माध्यमों के जरिए। हाँ बिल्कुल सही कहा सर, और यूट्यूब पे जैसे डालेंगे तो जैसे किसी को अगर जागरूक करना किस बजे मतलब किस तरीके से हम लोगों को जागरूक करें तो उस बारे में भी हम मतलब वो सब बनाकर यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं जी, तो इससे लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिलेगी और जागरूक भी होंगे। और अब बताएं कि हमारे यहाँ से जो तमाम कार्यक्रम पेश हो रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं आपको? तमाम कार्यक्रम तो मुझे सारे बहुत अच्छे लग रहे हैं और मेल पे आधारित जो कार्यक्रम आता है वो भी बहुत अच्छा है और व्हाट्सएप फॉर्मेट जिसमें आप लोग लेटर शामिल करते हैं, सभी लोगों के नाम शामिल होते हैं और इसके साथ साथ फोनिंग प्रोग्राम तो है ही अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। तो और मैं सारे कार्यक्रमों से फिलहाल तो मैं जुड़ी रहती हूँ और मेल वगैरह मैंने किया है आपके कार्यक्रम में, व्हाट्सएप भी करती हूँ और फोनिंग प्रोग्राम भी सुनती रहती हूँ। क्या कहने, तो इन सब के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, बहुत शुक्रिया कह रहे हैं। अब हमें वो गीत सुनाएं जो आप सुनना चाहती हैं। सर फिल्म का नाम है सनम और गीत के बोल रहे हैं खुदा करे मोहब्बत में वो मकाम आए, तो वो गीत आप सुना दीजिएगा मुझे। सर ये गाना ना मैंने थोड़ा कभी गाया नहीं है लेकिन मैं कोशिश करती हूँ थोड़ी जी। अच्छा, जो गाना गाया है वही आप कोशिश करिए, दूसरा ही गीत सुना दीजिए जो अच्छे से आप हमें सुनाना चाहते हैं। गाने तो वैसे बहुत सारे हैं लेकिन फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो ये मुखड़ा मैं एक लाइन सुना देती हूँ आपको। खुदा करे के मोहब्बत में वो मकाम आए, खुदा करे के मोहब्बत में वो मकाम आए, तेरे लबों पे हमेशा सनम का नाम आए, तेरे लबों पे हमेशा सनम का नाम आए। सचमुच पूनम आपने अच्छा गाया आज ये गीत, बहुत खूब, तालियां आपके लिए। तो बहुत अच्छा गाया आपने और ये गीत तो पंकज उधास की आवाज में है। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी नमस्ते, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्ते सर। नमस्ते। सर
हम गांव मदनपुर पोस्ट बड़ा। हेलो जी, गीत बता देती हूँ मैं फटाफट। नमस्ते, कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। उम्मीद करें कि इस बार नहीं कटे, क्योंकि अब क्या कहें, बार बार ऐसा हो रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, मेरे आते ही ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं। उदिता देवरिया से। हेलो हेलो फरमाइश, कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश, नाम बताएं अपना। सर नमस्ते। नमस्ते, मैं नगर पंचायत गंगापुर वासी से अमजद खान बोल रहा हूँ। अमजद जी, हम आपका प्रोग्राम में बहुत स्वागत कर रहे हैं। आज श्रोताओं से बातें हो रही हैं, लेकिन तुरंत फोन कट जा रहा है। कैसे हैं, क्या हाल चाल है और किस गाने की फरमाइश है ये बता दें आप। नगीना का गाना सुना दीजिए जी। नगीना तो आजकल याद कुछ और रहता नहीं, या तूने बेचैन इतना ज्यादा किया। गाना कॉल उड़ जाता है तो याद भूल जाते हैं। हाँ, चलिए हम आपको नगीना का ये गीत सुनवा दे रहे हैं। ये हमें बताएं क्या हाल चाल है आपके। जी बढ़िया है। और प्रोग्राम सुन रहे हैं, कैसे लग रहे हैं इन दिनों? तो बढ़िया प्रोग्राम चल रहे हैं, फरमाइशी गीत में हमारे लोग का गीत भी शामिल होता है। बिल्कुल, हम लोग तो सभी श्रोताओं का ख्याल रखते हैं, जो भी श्रोता फोन करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं या फिर मेल भेजते हैं, उनकी हम फरमाइशें ख्वाहिशात शामिल करते हैं प्रोग्राम में। तो कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं। और कामकाज कैसा चल रहा है बरसात के दिनों में? हालांकि बारिश ज्यादा नहीं हुई, बाढ़ के हालात तो जरूर हैं। कैसा कारोबार काम चल रहा है आप लोगों का? कारोबार तो सही चल रहा है, थोड़ा वो काम की वजह से थोड़ा नरमी पकड़ ले रहा है। जी जी जी, तो उम्मीद करें कि कारोबार ठीक ठाक चले। प्रोग्राम सुन रहे हैं एफएम पर आप लोग? जी 100.6 पे। जी, गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है नगीना, और मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। और बहुत शुक्रिया, नमस्कार जी। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। फोन इन फरमाइश। नमस्ते सर। नमस्ते, आज श्रोताओं के कॉल बार बार कट जा रहे हैं, तो दुखद है। जल्दी से नाम बता दीजिए अपना और जगह का नाम। मेरा भी कट गया था। कई लोगों के साथ हो रहा है, और कई लोगों ने तो वाकई दुख है कि तीन तीन चार चार बार फोन किया और उनके फोन कट जा रहे हैं। असगर जी का भी कट गया, उदिता जी का भी फोन कट गया देवरिया से, कई कई दफे। जी कैलाश पटेल मिसे पुरोनिया वाराणसी से। जी कैसे हैं, क्या हाल चाल है और कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको? ठीक है, इस समय तो कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है। और खेती बाड़ी है या फिर पढ़ाई लिखाई आपकी चल रही है? नहीं सर, पढ़ाई लिखाई तो पूरी हो गई है, काम जी करते जी हैं। हाँ, और रेडियो कितना साथ देता है आपका प्रोग्राम सुनने में? रेडियो तो दिन भर चलता है। किस गाने की फरमाइश है आज? गाना सुनवा दीजिए, मेरी माता जी की पसंद का सुनवा दीजिए। जी कौन सा है? गंगा जमुना का ढूंढो ढूंढो साजना। देखिए, ये पुराने जो गाने हैं ना, ये हमारे फिल्म संगीत के नगीने हैं, और ये सदाबहार गीत, जैसे ये फिल्म 1961 की है, और नौशाद बहुत एक बड़े संगीतकार हुए, पारंपरिक धुनों के साथ साथ शास्त्रीय संगीत पर आधारित अनेक गाने उनकी फिल्मों में देखने सुनने को मिलते हैं। तो इन्हें यही सब धरोहर हैं जो बाद मुद्दत के सुने जाएंगे। नई फिल्में तमाम आती हैं, उनमें भी अच्छे गाने होते हैं, लेकिन ये जो हमारे 30, 40, 50, 60, 70 के दशक के गीत हैं ना, ये हर पीढ़ी पसंद करती है इन्हें। हर पीढ़ी पसंद करती है, सदाबहार हैं और रहेंगे भी आगे चल के। जी जी, तो इसका कौन सा गीत आपने बताया, ढूंढो ढूंढो? जी सर, ढूंढो ढूंढो साजना। लता मंगेशकर की आवाज है, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत। गीत सुनते हैं। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी सर नमस्कार। नमस्ते, और ये मीठी मीठी सी आवाज किसकी है? जी देवरिया यूपी से उदिता विश्वकर्मा बात कर रही। और उदिता जी, हो ये रहा था कि शुरुआत में आपके कॉल तो आए, लेकिन तमाम श्रोताओं के कॉल कट कट जा रहे थे। आज कुछ लाइन में खराबी हमारे यहाँ चल रही है और बहुत मुश्किलात आ रहे हैं उसके कारण से। जी हाँ, हमारे यहाँ भी थोड़ा सा नेटवर्क फील्ड हो रहा था जी, थोड़ी दिक्कत हमारे यहाँ भी हुई। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, और मेरे ख्याल से आज के प्रोग्राम में यानी संडे वाले में आपका आखिरी कॉल है। क्या हाल चाल है आपके? हमारे हाल चाल बहुत ही अच्छा है, आपके बताइए। हम लोग तो ठीक ठाक हैं, और हमारे यहाँ बारिश हालांकि नहीं हो रही, बाढ़ के हालात हैं, लेकिन मौसम खुशगवार है, जो गर्मी बहुत तेज थी वो कम हो गई है। जी हमारे यहाँ तो अभी बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई, लेकिन आवश्यकता है। और इतनी स्वीट स्वीट आवाज है, तो आपको कभी लगा कि आपका नाम स्वीटी होना चाहिए? कभी मम्मी पापा को कहा कि मेरा नाम ये क्यों नहीं रखा, उदिता क्यों रख दिया? है ना, कहते हैं। हाँ जी, तो यानी स्वीट आवाज जो है उदिता की, उसका नाम स्वीटी है घर का।
और प्रोग्राम हमारे कैसे लग रहे हैं आजकल आपको? आपके यहाँ के सारे कार्यक्रम बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, और जो भी परिवर्तन हुआ है मन चाहा परिवर्तन कह सकते हैं इसको। और मोदी जी के बाद आप कार्यक्रम में आए हैं और सुना हमने, तो कमी चल रही थी बीच में आपकी जब आप कार्यक्रम से। अब ये तो एक सिलसिला है ना कि लोग हैं और तमाम इस तरह के हालात होते हैं कि अलग अलग लोगों को कार्यक्रम करने का मौका मिलता है, तो नई नई आवाजें, नई नई जो प्रस्तुति शैलियां हैं उनसे श्रोता वाकिफ हो पाते हैं, और लोगों ने सुना लोगों को और पसंद भी कर रहे हैं लोग। जी हाँ, पसंद तो आते हैं, लेकिन हम पुराने लोगों को भूल नहीं सकते, कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड। हाँ, और किस गाने की आज फरमाइश है आपकी? अच्छा, एक बार बात हो रही थी, आपने कहा था कि लिखना पढ़ना हमने शुरू किया है, हालांकि आपकी पढ़ाई लिखाई की तैयारी भी चल रही होगी, लेकिन कुछ क्रिएटिविटी कुछ और चल रही है या फिर घर के काम में व्यस्त रहती हैं दीदी के जाने के बाद ज्यादा? जी अभी तो बीटीसी का चल रहा है, सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन हुआ है, और घर का काम तो लगातार होते ही रहते हैं, व्यस्तताएं तो रहती ही है, कार्यक्रम से जुड़ते हैं इसे निकाल करके। बिल्कुल, और हम इसके लिए आपको शुक्रिया कह रहे हैं। और किस गाने की फरमाइश आज रहेगी आपकी? फिल्म है आज की आवाज वर्गीत के बोल है, दिल ही दिल में ले लिया दिल, महेंद्र कपूर साहब की आवाज में ये गजल है। मेहरबानी आपकी। तो इस गजल के कुछ मतलब कि जो शुरुआती शेर है ये आप सुनाएंगी क्या हमारे श्रोताओं को? इतनी अच्छी आवाज है तो इसको तो गाना ही चाहिए हमेशा। सर फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है कुछ बनाना, नहीं तो हम को गुनगुना ही देते, और इसके कुछ वर्डिंग तो मुझे ध्यान नहीं है ना जी, वजह से दूसरा गीत शायद ना सकते हैं, लेकिन इस गीत के वर्डिंग से आती है मुझे। तो कौन सा गीत सुनाना चाहेंगे आप? इसके अलावा दूसरा सुना दो जी। एक नई फिल्म है द एक्सपो, जिसी का गीत मैं सुनाती हूँ। दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम। वैसे हम आप यानी कि हमारा जो रेडियो का प्रोग्राम है और हमारे श्रोता हैं आप जैसे इतने अच्छे तरह से बात करने वाले और पॉपुलर भी, तो वो तो एक ही हैं इस मंच के जरिए खास तौर से। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये जो लगाव जुड़ाव है ये बहुत ही पुराना है हमारा, और जीवन पर्यंत ऐसा ही बना रहे जी, पूरी कोशिश रहेगी हमारी। तो अब गीत सुन लेते हैं वो वाला, दिल ही दिल में ले लिया दिल मेहरबानी। हेलो, फोन इन फरमाइश। आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हमें आपको फोन करना है बुधवार को सुबह में 10:30 से। फोन नंबर हमारा है 2221052 यानी 222105। एसटीडी कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542।